वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, आज हम लोग लंच में कढ़ाई वेज बना रहे हैं। थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में बना रहे हैं हम। इसके लिए हमने ये वेजिटेबल्स लिए हैं, इसमें कॉलीफ्लावर, बैंगन, गवार फली, चौलाई फली, कैरेट, कैप्सिकम, ये सारे वेजिटेबल्स मैंने लिए हैं, कटी हुई प्याज, कड़ी पत्ता, खड़ी लाल मिर्च, हरा धनिया, और आज हम जो मसाले यूज़ कर रहे हैं, राई, जीरा, नमक, हल्दी, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर और एक चुटकी गरम मसाला। चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमने कढ़ाई में ऑयल ले लिया है, इसमें थोड़ा सा राई ऐड करेंगे, जीरा, खड़ी लाल मिर्च, कड़ी पत्ता, प्याज, थोड़ा सा 2 मिनट गोल्डन होने देंगे प्याज को। इसमें अब वेजिटेबल्स ऐड कर देते हैं। इसको ढक कर 5 मिनट हम पकने देंगे। इसमें मसाले ऐड कर देंगे अब सॉल्ट, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। इसको हम 5 मिनट पकने देते हैं। सब्जी हो चुकी है, इसमें थोड़ा सा हम हरा धनिया डाल देंगे और इसको सर्व कर लेते हैं। कढ़ाई वेज रेडी है, इसको गर्मा गर्म दाल चावल के साथ में एंजॉय करिए। गर्मा गर्म दाल चावल और कढ़ाई वेज, देखिए आज का लंच कैसे लग रहा आपको बताइएगा। और मेरा ये वीडियो आपको कैसे लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। थैंक यू।